श्री गर्भ गीता अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताए कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि वह कौन से कार्य है जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री भगवानो वाजी, हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसीलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुनोवाची, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन पांच विकारों के वश में है। वे पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मनमस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन पांच विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके। श्री कृष्ण उवाच, हे कौन्तेय, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है। श्री भगवानो वाची, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं, वे सन्यासी वह वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वह मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वह अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। विशुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे है, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। अर्जुनोवाची, हे मधुसूदन, मनुष्य इन पांच विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है।
किसी के पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुसंक हो जाता है। श्री भगवानो वाची, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप है। अर्जुनो वाची, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जगन्य पशु बनता है? श्री भगवानो वाची, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है, वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं, बाद में भगवान को दान करते हैं, वह बिल्ली सुकर की योनि को प्राप्त करते हैं। अर्जुनो वाची, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवानो वाची, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन धान्य को प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनो वाची, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया है तो किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है? श्री भगवानो वाची, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान है, फिर भी मनुष्य का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं, वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अर्जुनो वाची, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? श्री भगवानो वाची, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। यह सब नाशवान है, विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुनो वाची, हे जनार्दन, मनुष्य में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड वायु, अंधता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? बताने की कृपा करें। श्री भगवानो वाची, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं।
जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वह संयम रहित ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करे, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताए। श्री भगवानोवाच, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्ण का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसा व्यक्ति कुकर, शुकर, गर्दभ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौंतेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कहीं अश्वमेघ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म और मरण से बचेंगे। श्री गर्भ गीता गर्भवती अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती है तो यह गर्भ गीता नित्य सुने और अपने शिष्य को दिव्य, तेजस्वी, मेघावी और सर्वगुण संपन्न बनाइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद।